गुड मॉर्निंग और स्वागत है आपका 10 के दमदार ट्रेड्स में। वीरोर में रहेंगे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शिल्पा राउत और प्रशांत सावंत पिछले शो से बने हुए हैं। उनके अलावा SBI सिक्योरिटीज़ के सुदीप शाह और कोटक सिक्योरिटीज़ के अमोल अठावले भी जुड़ेंगे अपनी फ्रेश ट्रेड्स के साथ। बिग मार्केट वॉइस में आज हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर एंड चीफ स्ट्रेटजिस्ट गौतम शाह जुड़ेंगे। उनसे समझेंगे बाज़ार में इस समय कहाँ हैं बड़े ट्रेंड्स और कौन से शेयर्स में इस समय आपको हो सकता है बड़ा मुनाफा। एक बार मार्केट की तरफ रुख करते हैं। निफ्टी ग्रीन में आने को तैयार, बैंक निफ्टी ग्रीन में आया और मिड कैप इंडेक्स यहाँ पर शानदार तेज़ी। इंडेक्स इस समय 0.5% ऊपर 308 पॉइंट, फ्रेश ऑल टाइम हाई 55,000 की तरफ बढ़ता हुआ मिड कैप इंडेक्स। एडवांस डिक्लाइन 2:1 का इस समय। और जहाँ तक आज के स्टॉक्स ऑफ द डे की बात है, उनमें सबसे ऊपर डिक्सन टेक 4.5% ऊपर, नैलको आज सुबह का बिग स्टॉक था हमारा, यहाँ पर 4% मतलब इसकी बात हुई थी हमारी स्टॉक्स न्यूज़ में, 4% ऊपर। ICICI लॉम्बार्ड 3.5% ऊपर, ट्रेंट 3.5% ऊपर, कैपिटल गुड स्टॉक सीमेंस ABB इन सब में अच्छा मोमेंटम। उसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स में इस समय शानदार मोमेंटम। वीरू जी, और इनफैक्ट अब निफ्टी रिकवर होकर ऑलमोस्ट 23,404 की डिजिटल में फिर आ चुका है, तो डेलो से अप्रॉक्सीमेटली अभी करीब 60 पैसे अंकों की रिकवरी हो चुकी है। ये पैन आपके स्क्रीन पे है, कॉल्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर। और इस क्रम में सबसे पहले आई थिंक जो फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं हमारे सुदीप शाह, अमोल उनसे बात करते हैं। अमोल गुड मॉर्निंग, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। मुझे एक हिंदुस्तान यूनिलीवर अच्छा लग रहा है एट करंट लेवल, सपोर्ट लेवल्स पे है अभी, 200 दिन के सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड हो रहा है, पोजिशनली है 2490 के आसपास चल रहा है। ये वापस से आई थिंक टेक्निकल बाउंस बैक स्टॉक में आता है तो 2600 और 2620 ये टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2440। दूसरा भी इंडेक्स स्टॉक है बट मैं ट्रेंड फॉलो करना चाहूंगा, HDFC लाइफ पे मेरा फोकस है, 595 के आसपास चल रहा है, 620 और 630 ये दो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 580 का। काफी दिनों के बाद स्टॉक में एक बड़ा रिवर्सल आया है और 50-day सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो ये टेक्सचर बता रहा है कि आने वाले दिनों में ये टेक्निकल जो रिवर्सल हुआ है ये कंटिन्यू रहने के चांसेस यहाँ से दिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गई अमोल की दो ट्रेड। सुदीप जी गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड्स। गुड मॉर्निंग अनुज। अनुज मेरा पहला पिक है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड में यदि हम देखें तो पिछले 5-6 दिन से जो एक कंसोलिडेशन देखा गया था और वहां पे स्टॉक 10 और 20 दिन के जो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको भी होल्ड कर रहा था, वहां से आज अच्छा ब्रेकआउट आया है। पिछले एक दो सेशन से हम देख रहे हैं कि ये जो इंश्योरेंस स्टॉक्स है वहां पे थोड़ा एक अच्छा ट्रैक्शन भी बना हुआ है और साथ ही साथ अगर ICICI लोम्बार्ड का वीकली चार्ट भी यदि देखें तो ये मेरे हिसाब से हाईएस्ट क्लोज होगा ये स्टॉक का। इसके पहले अप्रैल में एक बार 1717 का हाई हुआ था, तो आज का अगर क्लोजिंग यही लेवल के या यहाँ से थोड़ा ऊपर आए तो एक फ्रेश ब्रेकआउट भी पोजिशनली यहाँ पे ICICI लोम्बार्ड में हमें नजर आ रहा है, तो एक अच्छा स्टॉक है, पोर्टफोलियो स्टॉक भी और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी मुझे लग रहा है बेटर है। तो यहाँ पे 1690 के स्टॉप लॉस से 1780 के टारगेट के लिए मुझे लग रहा है ICICI लोम्बार्ड को लिया जा सकता है। सेकेंड स्टॉक है रैलिस। फर्टिलाइजर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स में एक अच्छा पुल बैक आ रहा है तो मुझे लग रहा है रैलिस में हमने देखा था पिछले सप्ताह एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ था और उसके बाद पिछले 3-4 दिन से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था और आज हमें यहाँ पे एक फ्रेश मूव अपसाइड पे नजर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है 310 के स्टॉप लॉस से 335 और 340 के टारगेट्स रैलिस इंडिया में आने वाले कुछ 3-4 सत्रों में आ सकता है। ओके, तो चलिए ये हो गई सुदीप के पिक्स ICICI और रैलिस इंडिया। शिल्पा जी आपकी फ्रेश ट्रेड्स। मेरा ध्यान अभी अनुज जी ऑप्शंस में मुझे देना है इंडियन होटल में। इंडियन होटल मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है, ऑलरेडी 2.5% अप है, तो डायरेक्ट फ्यूचर्स में नहीं देखे, मुझे लगता है ऑप्शंस में करेंगे तो ज़्यादा सेफ है। 620 का कॉल ऑप्शन आप इसमें ले सकते हैं जो रफली अभी अराउंड 7.5 रुपये ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 5 का रखिए, छोटा सा स्टॉप लॉस, ये जाना चाहिए 630 से लेके 640 के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको टूवर्ड्स 14 मूव करके देना चाहिए। पहला टारगेट 11 का रखिए, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 14 से लेके 16-18 भी आपको आ सकता है। ओके, तो इंडियन होटल्स 620 कॉल ऑप्शन और अच्छा करता हुआ। प्रशांत आपके ट्रेड्स दो। जी वीरू जी, फर्स्ट पिक मेरा होगा ब्रिटानिया, यहाँ पे एक अच्छी डिप आई है और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 5335 स्पॉट और जो टारगेट होगा वो होगा 5450 540 का। ओवरऑल FMCG में काफी अच्छा ट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रेंथ आ सकती है। नेक्स्ट पिक होगा IOC,
यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 166, और जो टारगेट होगा वो होगा 180 से लेके 182 के करीब। बिल्कुल आईओसी ये इस समय की ट्रेड। मीनवाइल सेंसेक्स भी अब ग्रीन में आया, आज सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है और सेंसेक्स के ऑप्शंस भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं सेंसेक्स का 77,000 का कॉल ऑप्शन देख रहा था, ये ट्रेड के पर्सपेक्टिव से नहीं है लेकिन इसमें अभी अभी रिसेंट उसमें लास्ट 10 मिनट में एक मूव आया 50 से 70 रुपये के करीब। जी हाँ ये देखिए, ये यहाँ पर भी काफ़ी वैसे आजकल एक्टिविटी हो रही है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है और सेंसेक्स मतलब 77,000 की कॉल तो वो प्रीम नोशनल टर्म्स में काफ़ी हाई हो गया। यहाँ पर एक मूव आना शुरू हुआ है तो ये एक इंटरेस्टिंग आपके लिए रहेगा। और बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सा मोमेंटम दिखा रहा है, 49,944 पर आया इस समय बैंक निफ्टी। वीरो सारी समस्या की जड़ यही है बैंक निफ्टी, क्या ये निकाल पाएगा कि नहीं निकाल पाएगा 50,000 50,200 का जो जोन है, 50,000 50,200 पे हर बार फंस रहा है। आज सुबह खुले वहीं पर, वहाँ से फिर कोलैप्स हुए लेकिन लोअर लेवल पर सपोर्ट भी लिया। आज बहुत शानदार निफ्टी बैंक ने ट्रेड दिया लोअर लेवल पर, जो बाय जोन थे दोनों इंडेक्स वहीं से घूमे। अब देखते हैं इस बार अपने हायर लेवल जो प्रॉफिट बुकिंग जोन है उसको क्रॉस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग हो सकता है आज के लिए वीरो। बिल्कुल, और मैं देखने की कोशिश कर रहा था, लोकेट करने की कोशिश कर रहा था कि प्लेसमेंट ऐसा वो कौन सा स्टॉक फ्यूचर है जो इस 50-200 की ट्रेजेक्ट्री को पार करा सकता है। शिल्पा जी एनी सेंस आपका थॉट? आई थिंक एक 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 रोल ओवर की प्रक्रिया होती है, रोल ओवर्स होते हैं और उसके बाद रोल ओवर्स होने के बाद ही हमें एक बहुत टर्बुलेंस वाला फेज मिला 4 जून का और इनफैक्ट 3 जून का। अभी सेटअप के अनुसार आपको पॉसिबली एज पर योर एक्सपेक्टेशन लग क्या रहा है, कौन डिलीवर करेगा जिसकी डिलीवरी के सहारे हम वो 50-200 की ट्रेजेक्टरी को पार कर सकते हैं? अनु जी, सरवीरेंद्र जी, मुझे लगता है यहाँ पे दो मेजर बैंक्स को परफॉर्म करना थोड़ा भी यू नो इम्पॉर्टेंट है। पहले तो HDFC बैंक है एंड SBI, दोनों एक ऐसे क्लस्टर में है जहाँ पे एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर ही रहे हैं लेकिन वो फेल हो रहा है। जैसे SBI अगर ये 850 के जोन्स के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो मुझे लगता है बहुत ही शार्प अप मूव टुवर्ड्स 900-920 भी आ सकता है। लाइकवाइज HDFC बैंक को भी 1600 के ऊपर सस्टेन करने के लिए यहाँ पे अगर करता है देन 1640-1680 के लिए भी मूव करेगा। तो मुझे लगता है जब तक ये दो कॉम्बिनेशन थोड़ा स्ट्रॉन्गली आपको अपमूव में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो बैंक निफ्टी में वो थर्स्ट नहीं आ रहा अपसाइड के लिए। जबकि दूसरे बैंक्स कर रहे हैं पार्टिसिपेट तो मुझे लगता है कि इसलिए वो ब्रेकडाउन भी नहीं आ रहा है, 49,500 के नीचे भी नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस है 50,300 के अराउंड, तो ये इसको क्रॉस करने के लिए मुझे लगता है एवरीबडी स्पेशली द बिग बॉयज़ HDFC बैंक एंड SBI दोनों को पार्टिसिपेट करना इट्स अ मैंडेट। बिल्कुल, मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए L&T फाइनेंस का चार्ट। आज सुबह ये था बिग स्टॉक्स में और एक सिंपल लॉजिक था कि अगर L&T बाय कर रहा है ब्लॉक में तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक शायद कुछ तो देखा हो उन्होंने, और अब 180 क्रॉस कर रहा है और ये भी एक स्टॉक खुला फ्लैट और अब स्क्रीन पर मोमेंटम यहाँ पर 2.5% की तेज़ी यहाँ पर इस समय। प्रशांत जी कोई व्यू L&T फाइनेंस पर? जी बिल्कुल अनंत जी, मुझे लग रहा है कि 175 स्टॉप लॉस यानी कल का लो रख के पोजीशन ऐड भी किए जा सकती है, एग्जिस्टिंग भी होल्ड कीजिए। ये स्टॉक कंफर्टेबली 194 तक के लेवल दिखा सकता है। तो ये होगी बात L&T फाइनेंस की। चलिए अब एक काम करते हैं, अब कुछ और बात करते हैं, थोड़ा लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करते हैं और